गुड मॉर्निंग 10th क्लास, मैं आज आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके पहले मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। मतलब अगर अपन एपी, मतलब अगर अपन को एक एपी दिया हुआ है एन टर्म तक और उसका अपन को क्या फाइंड करना है, सम, तो उसका फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसकी सबकी मीनिंग आप लोगों को पता ही है, बस एस एन की मीनिंग होती है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, ठीक है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, मतलब इस फॉर्मूले का इसमें यूज होगा। तो यहाँ दिया है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, अपन को कुछ एपीज दी हुई है उनका अपन को क्या फाइंड करना है, सम। तो ध्यान दें, सबसे पहले फर्स्ट टर्म द वैल्यू ऑफ ए इज 2, द वैल्यू ऑफ डी इज सेकेंड माइनस फर्स्ट मतलब 7 माइनस 2 मतलब 5, द वैल्यू ऑफ एन इज 10। अपन को किस टर्म तक सम फाइंड करना है, 10th टर्म तक। मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मूला बताया एस एन का क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसमें अपन वैल्यू पुट अप करेंगे, द वैल्यू ऑफ एन इज 10, द वैल्यू ऑफ ए इज 2, 10 माइनस 1, द वैल्यू ऑफ डी इज 5, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, 2 5 जा 10, यहां पर सॉल्व करूंगा मैं, एस एन इज इक्वल टू 5, 2 2 जा 4 प्लस 10 में से 1 को सबट्रैक्ट करेंगे 9, नाइन फाइव जा 45, 49, 49 का 5 में इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 245। और यहाँ भी n की वैल्यू पुट अप कर सकते हैं अपन, n की वैल्यू कितनी है 10, तो s 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 245, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, बस इसमें फॉर्मूले का यूज करना आना चाहिए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। थैंक यू।